नमस्ते आज मेरे साथ कनन गोपीनाथन साहब हैं कनन साहब का पर्चे आप सब लोगों को पता है वो पर्चे मैं बार बार नहीं कराऊंगा मैं सबसे जो बड़ी बात आपकी कनन की मैं समझता हूँ कि आ, आपके पास वो मिक्स है यू हैव एडवांटेज ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको सारा मिक्स है भारत को आप सब तरफ से देखे हुए हैं अलग अलग चश्मों से और एक संपूर्ण में एक उसकी आपको संपूर्णता में भारत को देख लेते हैं करन साहब पहली चीज जो आज आपसे समझना है और मैं आपका विचार जानना चाह रहा हूं कि देश में हमेशा इस समय चुनाव की तैयारी होती रहती है एवरीथिंग इज ऑन चुनाव हरदम चुनाव के मोड में हम लोग रहते हैं तो क्या डेवलपमेंट की बात नहीं होगी महंगाई की बात नहीं होगी बेरोजगारी की बात नहीं होगी जीडीपी की बात नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग पर बात होती ही नहीं तो ये कैसे मतलब देयर आर इश्यूज जो हम सबको जानना चाहिए लोगों में विमर्श होना चाहिए आपको क्या लगता है कब बात होनी चाहिए नहीं आ, बिल्कुल सर आ, हमने एक्चुअली जो एक गवर्नमेंट चुनते थे या डेमोक्रेसी में आ, जो इलेक्शन है दैट वाज अ मींस कि हम एक सरकार को चुने और उस मीन के जरिए उनको पावर मिले और फिर उस पावर के जरिए लोगों का फायदा हो यू नो डेवलपमेंट आ जाए तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो सबसे अच्छा तरीका है लोगों तक डेवलपमेंट विकास उनकी अधिकार सब ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये इलेक्शन इलेक्शन के थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स में कलेक्ट हो जाए सरकार पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो मीन्स था उसी को हम अभी एंड मानने लग गए जो जरिया था किसी यहाँ पहुंचने के लिए और उसी को हमने अपना पूरा गोल लाइफ का गोल मानने लग गया एटलीस्ट कुछ पिछले कुछ सालों से तो किसी भी तरीके से चाहे उसमें कोई नैतिकता की जरूरत नहीं है उसमें और कोई आगे करना क्या है इसके बारे में उनको कोई आइडिया होने की जरूरत नहीं है बस इलेक्शन जीतना है हमें पावर में कंटिन्यू रहना है उसके अलावा आगे का कुछ करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं मानते और इसी मैं सिर्फ इस डेवलपमेंट नहीं हो रहा इसकी बात नहीं कर रहा हूं किसी भी कीमत पे इलेक्शन जीतना है इलेक्शन पावर में आना है ये हम एक अपनी अगले जनरेशन को भी बता रहे इसमें कोई बुराई नहीं है चाहे आप चीट कर लो चाहे आप किसी को मार दो चाहे किसी तरीके से धोखा करो पैसा देके खरीदो होस्ट ट्रेडिंग करो कुछ मर्जी करो अब कैसे भी तरीके से किसी भी तरीके से सिर्फ पावर में आ जाओ और उसके बाद कुछ करो ना करो वो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे फिर से इसी रेस में लगना है कि हमें पावर में वापस कैसे कंटिन्यू करना है कंटिन्यूअसली लोगों को एक दूसरे से लड़वाना कैसे है एक दूसरे को बेवकूफ कैसे करना है सामने वालों को ये कैसे बताना है कि मैं ही हूं जो तुम्हें बचा सकता है और उसके बाद उसी खतरे के फीलिंग में उसको कंटिन्यूअसली रखना कैसे है कोई किसी को भी सिक्योरिटी का एक सरकार आने का मतलब है कि जनता को अपना देश में एक सिक्योर फील होना कि हम अपने देश में सिक्योर है ये ऐसा है कि हर हर वक्त उन आपको एहसास दिलाते हैं कि आप खतरे में हैं किसी भी तरीके से चाहे धर्म हो चाहे जाति हो चाहे किसी भी नाम पे आप खतरे में हैं और बचा लो अपने उसको तो आपका जो जितने भी मुद्दे हैं बेरोजगारी आपका आ, आ, आप, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है या पेट्रोल एक सौ दस रुपये हो रहा है सात रुपए हो रहे एक सौ रुपए हो रहा है वो सब अलग हो गया क्योंकि आपको अपनी पहचान को बचाना है अपनी अस्तित्व जिस तरीके से रखा है कि खतरे में है कंटिन्यूसली तो एक डैन कहन का एक थियरी है साइंटिफिक कंसेंसस एंड कल्चरल साइंटिफिकल करके इंटरेस्टिंग है उसमें कहता है कि अगर किसी को ये बता दे कि उनकी पहचान खतरे में, में है उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है तो उनका सोचने की जो क्षमता है वो नीचे चले जाते हैं तो आप जिनको एक ज्यादा तबके के, के पॉपुलेशन को ये अगर कर दे कि खतरे में है आप तो आप तो एक समुदाय खतरे में ऐसे डाल दे तो सोचने का जो क्षमता कम हो है फिर धर्म बचाना है कि पचास रुपये बचाना है या मतलब कौन सा जाता ऑफकोर्स धर्म बचाना है वो फीलिंग कंटिन्यूसली ला रहा है और वो इसलिए है ताकि कंटिन्यूसली उस उस थ्रेटन फीलिंग के साथ वो खतरे में है वो डर पैदा करके कुछ ना कुछ लोगों को पावर में कर, रह पाए ताकि उनसे और कोई सवाल ना पूछे कि महंगाई क्यों हो रहा है या फिर लाइफ की जो बुनियादी बातें हैं उसके कोई सवाल ना पूछे बेरोजगारी क्यों हो रहा है या जीडीपी क्यों नीचे गिर रहा है या फॉरेन पॉलिसी खराब क्यों हो रहा है हमारे आसपास की सपड़ोस की सारे देश हमारे हमें हमसे खिलाफ क्यों हो रहा है कोई भी सवाल ना पूछे बस यही है इलेक्शन जीते है कि नहीं जीते बस वहीं पे खत्म हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे ये भी नहीं लगता ये कंटिन्यूसली चलने वाली चीज है आ, कुछ ना कुछ टाइम के बाद क्योंकि पावर कॉर्नर करने वाले कुछ ही लोग होते हैं बाकी लोग क्या मैक्सिमम कर सकते हैं कि फोन करके उनसे पूछ सकते हैं कोरोना में बल्कि हमने देख लिया कि जो जिन जो है ना कुछ कई तस्वीरें ऐसे आए जो दिल से सपोर्ट करते थे कि सरकार के लिए जान देने के लिए तैयार थे लोग उनका भी जब जरूरत के वक्त पे कोई कुछ मदद नहीं कर पाए सरकार उन्होंने फिर बात यूपी के ही बात में कहूं तो लिखे हैं हमारे सामने हैं तो ये भी धीरे धीरे जनता को भी रियलाइजेशन होगा कि पावर में कुछ ही लोग रह सकते हैं पर अगर पावर का इस्तेमाल करके जनता का फायदा हो तो सभी के लिए फायदा है और डेमोक्रेसी एज ए मीन्स है इलेक्शन एज डेवलपमेंट एस एन एंड लोगों की विकास डेवलपमेंट में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं ओवरऑल डेवलपमेंट चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो हर इंसान की हर नागरिक का जो अधिकार की बात हो या आर्थिक विकास की बात हो कि हमें आगे बढ़ना है सपना देखने के अधिकार की बात हो अपने बच्चे के बारे में खुद के बारे में ना ये सारे अधिकार है ये सारे आगे बढ़ने की जो है उसके लिए अगर यूज करें तो पर डिजाइन भी ऐसे किया था पर थोड़ा सा एक प्रोसेस में हमारे एक, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं तो आ, सुर का एक एग्जाम्पल एक आपको याद होगा कि जिन्होंने शिवजी से एकदम यू नो बिल्कुल तपस करके उनको भर लिया पर सबसे पहले फिर उन्होंने क्या किया था मेहनत उन्होंने शिवजी के ऊपर अपना हाथ रखने का कोशिश किया था कि वो कहीं कभी कभी डेमोक्रेसी भी ऐसे हो जाता है कि कुछ लोग उसका बिल्कुल पूजा करके तपस्या करके डेमोक्रेसी से लोकतंत्र से अपना वर प्राप्त कर लेते हैं फिर फिर वही लोकतंत्र को खत्म करने का कोशिश करते हैं ताकि वो मतलब दोबारा हमारे से पावर ना छीन पाए तो कई बस भी जनरेट होते हैं पर पर बसमासूर ना जीता ना आज मैं समझता हूं कि लोकतंत्र हारेगा जी साहब एक चीज मुझे और क्योंकि एक नया एक और डेवलप किया गया है आप तो अधिकारी रहे हैं आप ब्यूरो में रहे हैं पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं भाई आप अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपका कुछ लेसर इंपॉर्टेंट पोस्टिंग हो जाती है आप अच्छा काम करते हैं तो आपको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है इस इस तरह का माना जाता है। माना आ, इस तरह का का माना 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 है 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 जाता जाता एक जनरल होता क्या है, ग्राउंड पे वो मैं नहीं <laughs> अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि जैसे गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल चला गया पूरा अच्छा इट इज अ मैटर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई जो डेमोक्रेसी है उसमें एम एल आएंगे फिर एमएलए मुख्यमंत्री चुनेंगे और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा अब चार साल तक जिसने डिलीवर नहीं किया आपने इसी बिना पे उसको चेंज कर रहे हैं हाँ जी तो चार साल तक एक्सपीरियंस लोग डिलीवर नहीं कर पाए और इधर एकदम से एक साल में ये लोग डिलीवर करेंगे और मैं एक और चीज आपसे करूँ दो क्वेश्चन है एक तो पुराना डिलीवर नहीं किया विच वॉज योर वो दूसरा अभी जो एक चीज हुई है जो लोगों का ध्यान नहीं जाता है हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब जेई है ओवरसियर मतलब तो ये उनकी क्वालिफिकेशन है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि देश में कोई लेकिन वहां के जो मिनिस्टर ऑफ होम है जो आप जानते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हरेन पांड्या से लेके अमित शाह साहब से लेके जो अभी प्रभुदास जडेजा जी जो थे प्रदीप मतलब ये सारा जो शायद सबसे फलक्रम है जो जहाँ से मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट वर्चुअली वो चीफ मिनिस्टर के पास उनको जो हर्ष जी को बनाया गया वो आठ नवी पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे आप तो एडल्ट एजुकेशन और क्या क्या काम भी किए हैं एज डीएम या डी कुछ इनको नहीं होना चाहिए भैया दो साल में कुछ तो पढ़ लो मतलब पांच साल का टर्म है कुछ करके अपना क्योंकि अगर आप आठवीं नवी पास लोगों को यहां बिठा दे रहे हैं चार साल का आप ये कह रहे हैं कि चार साल में इसने डिलीवर नहीं किया आई एम अ ड्रिंग तो इस पर भी समझना चाहेंगे तो बिकॉज आप लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी टीम थी जिसको आप हटा रहे हैं नहीं देखिए ये सवाल बिल्कुल आपसे जो आपका जो पहला सवाल है उसी से लिंक्ड है जब आपको गवर्नेंस करना हो तो फिर आप सोचेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मैं ज, जरूरी नहीं समझता हूं कि उन्होंने कौन सी कक्षा तक पढ़ा है या फिर वही सारा क्वालिटी है पर अगर आपका एम गवर्नेंस नहीं है पर सिर्फ इलेक्शन जीतना है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, के पद पर भी उन्हीं को रखेंगे जिनसे वोट uh, ज्यादा आ सकता है देखिये मिनिस्टर का पोजिशन एक जिम्मेदारी है अभी ये ना एक गिफ्ट के तोहफे के तौर पर बांटने लग गया है कि ये तोहफा है अगर आप हमारे साथ लॉयल्टी रखोगे जी हुजूर जी हुजूर करते रहोगे कभी कुछ खिलाफ नहीं बोलोगे यहां मत छोड़िए सेंट्रल गवर्नमेंट में सोच लीजिए अगर किसी से पूछे कि आज वॉटर वाटर का या रूरल डेवलपमेंट का किसी का भी मिनिस्टर कौन है तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी ने एग्जाम्पल भी किया था पूछा था होम मिनिस्टर कौन है बोल रहे मोदी जी है डिफेंस मिनिस्टर कौन है मोदी जी है सारे के सारे मिनिस्टर मोदी जी है क्यों क्योंकि किसी को भी वो जिम्मेदारी के तौर पर नहीं दिया गया इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी करने का भी उनको इच्छा नहीं है सिर्फ उनका एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो हां जी कहते हैं वो कभी ये नहीं बताते कि ना नहीं कहते या फिर अपना काम पे कुछ करने की जरूरत नहीं है लॉयल्टी का तो मतलब गिफ्ट है रिटर्न गिफ्ट है आपने इतना टाइम लॉयल रहा तो ये रिटर्न गिफ्ट ले लो इस तरीके से तो गवर्नेंस पे आप किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम पूरी बात भी यही करते हैं मैं आ, अभी इलेक्शन का एक साल पहले इलेक्शन के एक साल पहले ही गुजरात में चेंजेस ऐसे नहीं है कि गवर्नेंस बहुत ही बढ़िया था और अभी इलेक्शन के एक साल पहले अचानक पता चला उसमें रीजन थे कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड uh, जो डिलीवरी है मीट नहीं कर पा रहे इसके कारण वो चेंज किया उसको भी दिखा है ऐसे कि कोई इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक है इसमें मैं समझता हूं कि मीडिया का भी बहुत बहुत ज्यादा एक रोल है उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने लगे कि वो वो कोई चाणक्य नीति है करके ये बिना समझते हुए कि एक लोकतंत्र में चाणक्य की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना जनता को क्या चाणक्य दंड करके जनता को कंट्रोल कैसे करना है या फिर लोगों को ये बता रहा था लोकतंत्र में सरकार जवाबदेही है जनता को जनता को दान दंड भेद करके लाठी दिखा के या फिर कुछ वो वो, वो लाल करके आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है अगर एक पारदर्शिता के साथ जवाबदेही के साथ काम करे तो वही सरकार चाहिए एक लोकतंत्र में हमने कहीं ना कहीं ज्यादा स्मा, ओवर स्मार्टनेस जनता को ही बेवकूफ बनाने को कंटिन्यूअसली सेलिब्रेट करने लग गया हमने बोला यही है और मुझे इससे प्रॉब्लम है क्योंकि कई सारे सरकार जब खरीदे गए फिर भी वही चीज बोलने लग गया कि चाणक्य नीति है भाई जनता ने किसी को वोट किया उसके बाद आप पैसा देख होस्टेडिंग कर रहे हो इफेक्टिवली क्या है आप होस्टेडिंग कर रहे हो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो उसको हमने डिजायरेबल बना दिया वो होता था पहले भी मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं हमेशा से होता था पर कुछ तो शर्म आता था ये करते हुए कि सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं मीडिया उस पर सवाल पूछता था कि ये गलत कर रहे हैं या इसीलिए तो हमने कानून ले है फिर बाद में आज तो उसको हम सेलिब्रेट करने लग गया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है ये तो यही तो और ये तो स्मार्टनेस है तो हम हाँ अपने अगले नेक्स्ट जनरेशन को भी क्या बता रहे हैं एक दूसरे को बेवकूफ बनाना एक दूसरे को आउटस्मार्ट करना या आ, काला धन कालाधन याडिंग करना यही सब आ, सही है ये हम बता रहे फिर कोरोना में अगर कोई मेडिसिन छुपा लेते हैं, तो हमको लगता है कि हम मानविकता में हमें कैसे हो गया यार हमारे लीडर्स हमें यही बता रहे कि, कि किसी भी तरीके से चोरी करके पैसा कमा लो या चोरी करके पावर में लाओ हम वही फॉलो करते हैं तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारी मानविकता कहाँ चलेगी ऐसे नहीं होता ना कि अचानक मानविकता आएगी अगर हम उसको डेली करेंगे और वापस आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया बल्कि मैं उसको सुझाव के तौर पर ले रहा हूं कि अगर पांच साल का टर्म है तो इवन आई, आई, आई के एकेडमी में भी होता है कि अगर आप दो साल क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग करते हैं तो अभी एक कोई यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके कोई डिग्री ले, ले लेते हैं वहां से है ना अगर आपका तो यह बहुत अच्छी एक सुझाव है कि अगर पांच साल के आते हैं अगर कोई पढ़ना चाहता है उस दौरान साथ में कोई भी एक आ, आ, वो तो उसका एक ऑप्शन होना चाहिए मैं उसको नेगेटिवली नहीं ले रहा हूं कि ऐसे क्यों नहीं है पर एक बहुत ही अच्छा सुझाव सुजा, है कि कोई उस पर करना चाहते हैं तो आई थिंक दैट इज समथिंग यू शुड वर्क ऑन जी मैं कल एक चीज और आपने हाल के दिनों में आपने चीन के कल्चर चीन की उसके बारे में काफी पढ़ाई की है कल अपना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ स्टेट का सम्मेलन समाप्त हुआ दो दिन का एनुअल सम्मेलन होता है प्रधानमंत्री जी भी बोले समरकंद में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गयी हुए थे तो उतान मुझे ये ये लगता है कि हम लोग जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है मैं आपसे समझा देता हूँ भाई ये बेजिंग में इसका है इसकी लैंग्वेज जो ऑफिशियल है वो रशियन एंड चाइनीज है तो इट इज अ चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया आल्सो हैज बिकम अ मेंबर हमारी भी उतनी से है जितनी चाइना की है कि इट इज अ चाइनीज डोमिनेटेड डोमेंस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि दिस इज एसेंशियली चाइना एंड रशिया लेड इकोनॉमिकली ऑफ कोर्स चाइना लेड तो हम तो बात मतलब वी केम वेंट लेटर इसमें बाद में आए 2017 में 2017 yes. में आए हाँ। yes. तो वो वो रियलिटी है uh, वो बिल्कुल uh, उसमें uh, मतलब हम उसका सेंटर नहीं है uh, नहीं मैं, मैं क्यों इससे ये आपसे पूछा क्योंकि इंडिया का के पास एक सार्क था जो बहुत अच्छा चल रहा था और हमने 2016 में 19 समिट थी पाकिस्तान में और हमने उसका बहिष्कार भाई, किया ऑन दी ग्राउंड की उरी वाला जो हुआ था इंसिडेंट कि वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान अब आज अगर क्या शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पाकिस्तान होती है तो क्या इंडिया नहीं जाएगा क्योंकि वाई आई एम आस्किंग कि ये सब पीछे छोड़ना चाहिए भाई जो हुआ हुआ आप बातचीत कैसे बन उससे भी ज्यादा आपने सार्क का बहुत इंटरेस्टिंगली uh, uh, जिक्र किया क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमारे नेबरिंग स्टेट्स में हो क्या रहा है पिछले पांच साल की अगर बात करूं आपने शायद कवर किए होंगे मालदीव्स में गेट आउट इंडिया करके एक uh, चला था मालदीव्स में uh, काफी हाइटेंट हुआ था अभी थोड़ा वापस का, कंट्रोल में कर रहे हैं एंटी इंडिया का जो इट वाज नॉट एंटी इंडिया पर से पर इंडिया का कुछ पे उन्होंने वो किया बांग्लादेश ने दो कॉर्बेट्स और दो सबमरीन चाइना से खरीदा था और ऊपर से बांग्लादेश का जो अभी सबमरीन बेस है वो चाइना बना रहे मतलब सोचिए बांग्लादेश मतलब जस्ट हमारे वहां पे सबमरीन बेस चाइना बना रहे और श्रीलंका का आपको पता ही है कि हम्बन तोटा पोर्ट और अभी परसों का या लास्ट तीन दिन पहले का न्यूज था जब 2.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक एरिया है वो चाइना ने रिक्लेम किया और उन्होंने खुलेआम अपनी आर्टिकल में लिखा भी है कि दिस विल बी ए बेस फॉर विच, विच वी कैन काउंटर इंडिया एक्शन इन ऑफकोर्स श्रीलंका तो बिल्कुल हमारे से जुटे हुए वो है पाकिस्तान तो पता ही है अफगानिस्तान हाँ अफगानिस्तान का जो अभी क्या सिचुएशन है वो भी पता है नेपाल तो ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी पहले हमारे साथ था अभी अभी हम पोलिटिकली रिलेवेंट रहने के लिए मैं ये पूरा नहीं कहूंगा कि पूरा इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है बट जितना था उससे तो कहीं गुना ज्यादा स्पेशली वो ब्लॉकेट के बाद जिस तरीके का आम आदमी का सेंटिमेंट चेंज हुआ ब्लंडर था हिस्टोरिकल ब्लंडर था कि एक पॉपुलेशन को पनिश करने का जो भी वो डिसीजन था तो उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन वहां से आया वो भी ये सब सार्क है जिसको हम ये कह रहे हैं यही ही सार्क है इसमें हम अकेला हो गया है अभी हमारे साथ ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप तो रखेंगे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमसे निकल के जाएंगे पर धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में भी दिक्कत नहीं है पर वो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं जाके चीन पे डिपेंडेंसी पे बदल रहा है उनके लिए फायदा है कि नहीं वो हमें नहीं पता पर हमारे लिए तो नुकसान है ये तो बिल्कुल क्लियर है और ये अगर हम अपने ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एस सीओ विच इज एंड चाइना रशियन वहां पे हमें क्यों uh, अप, किसी भी तरीके का uh, वो मिलेगा और धीरे धीरे हम चीन से अलग हो रहे हैं। वो वैसे ही हम रशिया से भी मतलब चीन के अलग ही हिस्सा है पर रशिया से भी वैसे ही अलग हो रहा है और मैं एक सिंपल से एक बात बताऊं शायद uh, हमने एक जो अंडरलाइन फिलोसफी है जो करंट गवर्निंग आइडियोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा था कि uh, जो गुरुजी है कि अगर हिंदू सॉरी मुस्लिम क्रिस्टियन एंड कम्युनिस्ट ये सब कहीं कही ना कहीं हमारे एनिमीज है तो ये जब आप फॉरेन पॉलिसी पे एक्सपोर्ट कर लेते हो जो ये तो डोमेस्टिक जो बात को तो हमें समझना है कि जो इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज है वो या फिर कम्युनिस्ट है या फिर क्रिश्चियन डोमिनेटेड है या फिर मुस्लिम डोमिनेटेड है दिक्कत यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन दुश्मन है ये हमें नहीं बताया कि दोस्त कौन है कि, कौन, कि किसको दोस्त बनाए हम आप सभी को हम दुश्मनी बनाया जा रहा है हमको यूएस से भी दिक्कत है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा तो हमें बोलेंगे कि भड़ में जाओ तुम लोग हमें तुम भाषण देने की जरूरत नहीं है हमें रशिया से भी दिक्कत है हमें किससे दिक्कत नहीं है हमें सबसे दिक्कत है और अचानक वैसे था कि जब हम सब हमसे सब जुड़ना चाहते थे आज हमें अगर यूएस US यूज करे रिलेशनशिप बनाए तो भी सिर्फ इसलिए बनाएंगे ताकि चीन को एक काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसलिए नहीं कि एसेंशियली हमें एक दूसरे का पार्टनर समझते हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ जो अपनी एरिया में जो स्ट्रेंथ था उसको बहुत हद तक और सिर्फ यहां नहीं हमने अपनी मेक इन इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है मेक इन इंडिया जब तक शुरू नहीं किया मेक इन इंडिया शुरू होने के बाद अगले पांच साल में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी में वो सबसे कम हो गया हिस्ट्री में सबसे कम अच्छा हाँ, सबसे कम अब उसका ग्राफ में ट्विटर पे शेयर किया था मतलब हमने एक शुरू किया कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाएंगे और उसके बाद पांच साल के बाद जितना हिस्टरी का शेयर था उससे सबसे लोवेस्ट शेयर है आज मैन्युफैक्चरिंग का टू में बिफोर कोविड हमारी मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअल वैल्यू में मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं एक्चुअल वैल्यू में कॉन्ट्रेक्शन आया जो ग्राफ ऐसे जाता है वो ऐसे हो गया नीचे वो क्यों क्योंकि हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं हम अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो करेक्टिव एक्शन भी नहीं ले पाएंगे समझ भी नहीं पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग नीचे जाने का मतलब है कि रोजगार कम होना एम्प्लॉयमेंट कम होना क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी अगर एग्रीकल्चर के बाद कहीं पे मिलता है तो मैन्युफैक्चरिंग है अब मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो ये नहीं कि ये लोग जाके अपनी खुद की खेती करेंगे वो जाएंगे और अपने एग्रीकल्चरल लेबर बन जाते हैं एग्रीकल्चर वर्कर बन जाते हैं क्योंकि खुद के खेत नहीं करते वो सीजनल वर्कर बन के जाते हैं जो यहाँ से क्लासेस सबसे ज्यादा वो वो या फिर वेज निकल उसमें जाते हैं जब जीडीपी अब देखेंगे जैसे पता है कि कितना इतने सारे क्वार्टर से हम हर हर उस उसपे गिरावट करके आ रहे हैं अभी इस बार जब ये गलत चीज पे सेलिब्रेट भी करते हैं हमें ये नहीं लगता बीस हुआ करके जब आपको पता है 24 परसेंट गिरा और 20 परसेंट ऊपर आया अब 24 फुट का कुएं में गिर गया और बोलो कि मैं 20 फुट ऊपर आया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इसमें थोड़ा ज्यादा ही नीचे है परसेंटेज के कारण पर अब अभी भी कुएं में ही हो अब बाहर नहीं आया तो ये, ये। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को कलेक्ट जो एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में हम ऐसे कलेक्टिव समूह या फिर समाज को ही बेवकूफ स्थापित कर रहे हैं कलेक्ट डाउन कर रहे हैं मुश्किल सवाल पूछना इसलिए नहीं जरूरी है कि सामने वाले को हराना है मुश्किल सवाल पूछने से ही हम आगे बढ़ते हैं चाहे वो चाहे वो वो साइंस हो समाज हो एक दूसरे से या सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे मुश्किल कि क्यों भाई ऐसे पैंतालीस उन्होंने आई टी आई में मैकेनिकल लिया इलेक्ट्रिकल के जॉब पे इसलिए उसको नौकरी नहीं मिला इसलिए उसको सुसाइड करना चाहिए उसको कौन बताएगा भाई देश में कहीं नौकरी है ही नहीं ये तुम्हारा गलती है नहीं जब क्योंकि सरकार के ऐसे नीतियां हैं जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अब प्रमोट नहीं कर पा रहे एक लड़की थी जो मिली कि मैं मैं बिल्कुल टॉप किया मुझे क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है वो सही है उसने बोला कि समाज ने जो मुझे कहे वो वो सब सब उसने की। की। उसने उसने की की बोला यूनिवर्सिटी में पढ़ो पढ़ाई किया अच्छे से पढ़ाई सब किया उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही मुझे क्यों नहीं मिल रही पूछ रहे तो अभी मैं कहीं कहीं जा रहा था रास्ते में कहीं रूरल रह एरियाज में जाता हूँ ब्लॉक्स में जाता हूँ तालुक्स में जाता हूँ कि समझने के लिए कि मुद्दा लोगों में अंदर क्या क्या है तो क्या जवाब दू उसकी गलती है नहीं ना वो उसको लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं गलती है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके परिवार भी उससे पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है अब क्योंकि हमें लगा कि हमें सरकार के अलावा बाकी सबसे पूछ सकते हैं हमें मुसलमान से पूछ सकते हैं हम किसी और जाति से पूछ सकते हैं हम अपने आप से पूछ सकते हैं मैं आपसे पूछ आप सकता हूं आप क्यों नहीं, क्यों नहीं मैं, मैं अगर मैं ये चीज किसी से पूछूंगा तो वो बोलेगा तू तुम क्यों नहीं एक इंडस्ट्री खोल के दस लोगों को नौकरी दे देते हो तुम क्यों घर पे बैठे हो मतलब बेसिकली है कि जो एक्चुअली सोल्यूशन ला सकता है जो की सरकार है उनके अलावा किसी से भी पूछ लो उनसे मत पूछो क्योंकि उनको ना बचा के रखना है इससे हम कहीं ना ये इसका इंफ्लुएंस हमें लगता है कि फॉरेन पॉलिसी पे नहीं होगा ये बेवकूफी है अगर हम स्ट्रॉन्ग है ना अब किसी ने तो पूछा था गुरु कैसे बनेंगे मैंने उनको ये जवाब दिया था कि अगर हमारे हर विद्यालय में अच्छे गुरु होंगे तो हम अपने आप गुरु बन जाएंगे हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है ये बाहर जाके हम विश्व गुरु विश्वगुरु चार लोग चिल्लाने की जरूरत नहीं है हम अपने ही देश में हर नागरिक को उनकी जगह दे देंगे तो भारत को दुनिया में अपनी जगह मिल जाएगी अपने आप अप मिल जाएगी ये भीतर जो काम करना है उसके लिए हमें एक दूसरे को सवाल पूछना एनकरेज करना होगा कठिन सवाल एक दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो एक ट्रेट है अगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो मुश्किल सवाल लेना नहीं चाहते हैं। मुश्किल सवाल लेने का मतलब ये नहीं है कि उनको जवाब देता है कि नहीं मुश्किल सवाल आपको फेस करने के लिए जैसे एग्जाम एक होता है उसके पहले आपको पढ़ाई करना होता है और पढ़ाई करते हुए आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं अरे मैंने ये समझ के रखा था पर ये, अभी ये है और वो होना जरूरी है देश के लिए अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप भागते हैं तो आपके जो प्री कंसेप्टोशन चाहे वो सही हो गलत हो वही है सही मान के आप चल रहे हैं उसमें देश का नुकसान होता है और बहुत सारे ये दर्द है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों से मिलता है ना वो खुद अपनी बात बताते हैं तो उनमें ये दर्द है और उनको पता नहीं कि किससे पूछना है किससे सवाल करना है और फिर अपने आप को खोजते हैं कि हमने कुछ गलत किया है इसीलिए ये हो रहा है तो फॉरिन पॉलिसी इज इज वन पार्ट ऑफ इट बट विल रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा जब हम कमजोर होंगे तो ये एक्सपेक्ट करना की हम दुनिया में भी बन जाएंगे ये नहीं हमारे इस्तेमाल करेंगे लोग फिर पीपल विल स्टार्ट यूजिंग अस कर्न एक लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि एक वो क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव है पूरे देश के लिए और उसका मैं बैकग्राउंड भी अपने दर्शकों को बता दू सार्क में अफगानिस्तान भी था और हम लोग अफगानिस्तान के डिसीजन मेकिंग में वी वर पार्ट एंड पार्सल उनके हम डिसीजन मेकिंग उनकी गवर्नमेंट उनकी जब गवर्नमेंट बनती थी तो हम भी उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कोई सहयोग हो होता था आज हम सब लोग उस डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं और जो दूसरी बात खराब मतलब मुझे हरदम ये लगता है तालिबान को हम लोग इलेक्शन इशू बना रहे हैं तालिबान को हम लोग कहीं मुस्लिम से रिलेट कर रहे हैं और कुछ उसको इलेक्शन इशू जैसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं यूपी विधानसभा इलेक्शन में तालिबान की बात होती है नॉट रिक्वायर्ड <laughs> तो आपको क्या लगता है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज समथिंग जहां पे कुछ लोगों को चुप रहना चाहिए भाई हमारे सी साहब जनरल रावत हैं उनको क्या जरूरत थी चीन की सिविलाइजेशन और क्या क्या बात कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर को वहां जाके डिफेंड करना पड़ा वो उनके पर्सनल यूज है तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को लेके या अपने हाथ से सब निकल चुका है नहीं देखिए हमने कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी है डोमेस्टिक पॉलिसी है जो साई ऑप्स जो साइकोलॉजिकल ऑप्स हम कहीं विदेश में यूज करते थे ऐसा नहीं था कि कई सारे में यूज करते थे ये सब हमने कंफ्लेट कर दिया अभी हम साइ ऑप्स अपने ही जनता के ऊपर करते हैं ये जो कॉन्सेंट प्रोपोगंड झूठ फैलाना और सवाल पूछने पे देशद्रोही बनाना या फिर ये सब जो दिस इज एसेंशियली साइकोलॉजिकल दिसेंशलीस जो कि खुफिया एजेंसी कहीं और करते थे कि वहां पे कुछ वो कर अब अपने ही देश के ऊपर हम ये करने लगे अपने ही जनता के ऊपर करने लगे तो दैट लाइन हैज बीन कंप्लीटली चाहे वो बैलकआउट स्ट्राइक हो उसको हमने इलेक्शन इश्यू बनाया था दैट वाज और मेन इलेक्शन इश्यू तो कोई भी चीज जिससे हम एग्जिस्टिंग डिविजन जो सोसाइटी में जो डिविशन जो कि एक करंट पोलिटिकल पार्टी को फेवर करता है पावर में है उसी को जितना ज्यादा यूज कर सकता है वैसे ही यूज करने के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं तो तालिबान तो जब आया इसमें भी सरकार तो बात कर रहे हैं तालिबान से सरकार तो जो जो सरकार के समर्थक है वो गाली दे रहा है और जो बात नहीं कर रहे मुझे मुझसे कोई पूछ रहा था मैंने तो तालिबान के बारे में मैंने जितना सपोर्ट किया हम सपोर्ट कर सकते हैं पर मुझसे पूछ रहे थे तुम जैसे इस तालिबान के समर्थक में बोला यार मैं कहां से तालिबान का समर्थक हो गया क्योंकि जो सरकार के सरकार के सवाल पूछते हैं वो सब अभी तालिबान के समर्थक बन गए जो जबकि सरकार ही है जो जाके तालिबान से बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अभी जो एस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया प्रधानमंत्री ने वो था कि सेंट्रल एशिया को चबहर जो ईरान के पोर्ट के थ्रू जो एक्सेस होना चाहिए वो इंडिया का वो बहुत इंपॉर्टेंट है करके अब पोर्ट का एक्सेस किसके थ्रू था अफगानिस्तान के थ्रू ही है सेंट्रल एशिया को वही पूरा प्रोजेक्ट अब 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 इसमें समझना है कि हम एक हिंट दे रहा है अफगानिस्तान को कि हम वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं चाहे कोई भी वहां पे पावर में हो क्योंकि अदरवाइज हमने पूरा पूरा एक्सेस खो दिया जबहर ऑलमोस्ट चलाई गया ऑलमोस्ट चला जब भी गया चबहर वैसे भी ईरान भी काफी टाइम से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे तो जब हम इस तरीके से अंदर यूज करते हैं, उन, उन्होंने आके इतना हमारे मजाक भी उड़ा के चले गए वो जो बोला था कि अगर न्यू दिल्ली में चार चार एरोप्लेन रख के यूएस जाने का फ्री में दे देंगे तो लाखों लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे वो चीन वीन में तो सारे मीडिया ने कवर किया मतलब इतना मतलब मजाक के तौर पर हम जब इसको जानबूझ के एक मुद्दे को कंटिन्यूसली इंटरनल इलेक्शन के लिए बनाते हैं तो उसका implication foreign policy में भी होता है और दूसरा डोमेस्टिक पॉलिसी में भी होता है अगर आ, मान लीजिए एलटीटी था एलटीटी को आप वैसे भी बोल सकते हैं कि हिंदू थे हिंदू ही थे वहां पे जो सिन्हलिस्ट थे वो बुद्धिस्ट थे तो अब उसको हम बोलते कि नहीं भारत के सारे हिंदू एल एलटीटी ने किया उसकी जिम्मेदार है अगर हम ये कहते तो कैसे ठीक रहता या आयरिश मान लीजिए कि उनका जो कैथोलिक क्या, वो उसके लिए पूरा क्रिश्चियन जिम्मेदार है ये कहते तो उस टाइम की बात है मैं अभी नहीं कह रहा हूं दस तो साल पुरानी बात है तो कैसे ठीक रहता तो ये भार, भारत के जो लोग हैं वो किसी और देश के लोगों लोग क्या कर रहा है उसके लिए भारत के लोग जिम्मेदार है और उसको फिर कम्युनिटी वाइज आइडेंटिफाई करके बोलना इसलिए तुम जिम्मेदार हो इसलिए तुम जिम्मेदार हो ये किस तरीके से ठीक हो सकता है और कैसे इसको हम आ, अपने ही इलेक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं अभी नहीं समझ पा रही है ये धीरे धीरे जैसे मैंने पहले कहा जब आप अपने दोस्त कौन है ये नहीं समझोगे सभी को सभी दुश्मन है मान के चलोगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम अंदर भीतर भी डिवाइड और वो पड़ जाएंगे कितना और इनको बस पांच साल में अभी अगला इलेक्शन जीतना है और इसको एक साइकिल है उसके बाद अभी चार और बोलना पड़ेगा गालियां और चार और गंदे बातें बोलना पड़ेगा दूसरी कम्युनिटी को ये डिवाइड करते करते रहने से पर ज्यादा टाइम नहीं चलेगा ये मुझे लगता है कि लोग भी समझ रहे इस बात को ये पावर कॉर्नर कुछ ही लोग कर सकते हैं वो जो बंगला है वो एक आदमी का हो सकता है सीएम का मिनिस्टर का बंगला हो सकता है चालीस लोगों का हो सकता है उससे ज्यादा जो है आप उसकी गाड़ी में पीछे बैठ सकते हैं या फिर उसके पीछे की कारवा में कहीं पे जगह मिल जाएगी या फोन कर सकते हैं इलेक्शन तो के टाइम ही सुनता है इतना तो लोगों लोगों को भी क्लैरिटी आ जाता है बात आ, मतलब इसलिए तालिबान यूज करे जो, जो जो भी यूज करे वो डाइवर्शन के लिए भी है वो आइडेंटिटी को वो एक मैंने जैसे जैसे सबसे पहले बताया जब धर्म खतरे में है तो बाकी सारे हम स्टेटमेंट दे रहे कि अफगान हिंदू का किडनेपिंग तालिबान में हो रहा है उसके बारे में इंडिया का स्पोक्स पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहे हम भी इतना ज्यादा इंडिया में हिंदू मतलब परेशान है, है उनका मदद करने का मतलब कभी सोच नहीं है मतलब बट दिस इज नॉट दे बट दिस विल हैव सीरियस बट आई एम होप बिकॉज द मोर आई एम ट्रेवलिंग जितना मैं ट्रेवल कर रहा हूँ जितना लोगों से बात कर रहा हूँ लोग के सवाल बहुत तीखा है है अंदर वो किस तरीके से वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता पर जनता स्मार्ट है जनता समझते है। हैं कि क्या है। क्या सही है क्या गलत है थैंक यू सो मच गन फॉर ज्वाइनिंग